फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में लेसन 6 की वर्ड मीनिंग लर्न किए थे और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड द कंट्री माउस लिव इन ए होल। कंट्री माउस बिल में, कंट्री माउस का जो बिल था उसमें कैसे रहता था। हाउ मीन्स कैसे, कंट्री माउस बिल में कैसे रहता था। आंसर इज कंट्री माउस लिव्ड इन अ होल लाइक अ प्रिंस। कंट्री माउस बिल में राजकुमार की तरह रहता था। डियर स्टूडेंट्स, हमने लेसन में रीड किया था कंट्री माउस अपने लेसन में राजकुमार की तरह रहता था। राजकुमार मीन्स क्योंकि उसने अपने बिल में अपने लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध की हुई थी जिससे वो अपने घर में अच्छे से रह सके, कंफर्टेबल। सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड द टाउन माउस मीट द कंट्री माउस। वेयर मीन्स कहाँ, टाउन कंट्री माउस टाउन माउस से मिलने के लिए कहाँ जाता था। आंसर इज आउटसाइड द बिग सिटी, बड़े शहर से बाहर। आउटसाइड मीन्स बाहर। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई कुड द टू माइस नॉट ईट द फूड। टू वाई मीन्स क्यों, क्यों दो चूहे थे जो वो खाना क्यों नहीं खा पाए। आंसर वाई के क्वेश्चन किससे स्टार्ट होते हैं, बिकॉज से। बिकॉज मीन्स क्योंकि। अ मैन केम इन विद टू डॉग्स। बिकॉज अ मैन केम इन विद टू डॉग्स, क्योंकि एक आदमी अंदर आया जिसके साथ टू डॉग्स थे, दो कुत्ते थे, इसलिए जो वो दोनों चूहे थे वो खाना नहीं खा पाए और उनको देखकर वो अपने बिल में चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट हैपन्ड व्हेन द पार्टी वाज फिनिश्ड। क्या हुआ जब पार्टी ख़त्म हो गई थी। आंसर इज द टू माइस केम आउट एंड रेन अप द टेबल, दोनों चूहे बाहर आए टेबल के ऊपर, दोनों चूहे टेबल के ऊपर फिर से बाहर आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डिड द कंट्री माउस स्टार्ट रीचिंग होम। कंट्री माउस ने क्यों अपने घर जाने लगा। कंट्री माउस था जब टाउन माउस के वहाँ गया था, उसके वहाँ इनवाइटेड किया था टाउन माउस ने, तो कंट्री माउस अब अपने घर क्यों जा रहा था, क्यों जाने लगा। बिकॉज क्योंकि ही प्रीच अ लेसन ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि टू हिज वाइफ एंड फैमिली, क्योंकि वह संतुष्टि के बारे में अपनी वाइफ को मीन्स अपनी पत्नी को और अपनी फैमिली मीन्स परिवार को बताना चाहता था। उसने कंट्री टाउन माउस के यहाँ एक सबक सीखा कि हमें हमारे पास जितना भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, तो इसलिए वह उसके बारे में अपनी फैमिली को और अपनी वाइफ को बताना चाहता था, इसलिए वो अपने घर आने लगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं हमारे। अब हम स्टार्ट करेंगे बुक एक्सरसाइज। तो देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमें। फर्स्ट इज द कंट्री माउस एंड द टाउन माउस वर कज़न। कंट्री माउस एंड टाउन माउस वर कज़न्स, कंट्री माउस और टाउन माउस कज़न थे, ट्रू। सेकेंड इज द कंट्री माउस ब्रॉट आउट द स्टेल फूड। ब्रॉट मीन लाना, स्टेल फूड मीन बासी भोजन। जो कंट्री माउस था वह, जो टाउन माउस उसके घर आया था तो वह उसके लिए बासी खाना लेकर आया था। फॉल्स, क्योंकि जब टाउन माउस उसके घर आया था तो उसने उसके लिए सभी डिशेस सर्व की थी, जो भी उसके पास व्यंजन थे, जो भी उसके पास डिशेस थी वो सभी उसने सर्व की थी। थर्ड इज ऑल काइंड ऑफ डिशेस वर सर्व्ड फॉर अ ग्रेट फीस्ट। सभी प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे एक अच्छी दावत के लिए, ट्रू। नेक्स्ट इज द डॉग स्क्रैच एट द होल अंटिल दे गॉट द माइस।
डॉग्स थे, जो कुत्ते थे, उन्होंने होल मीन बिल, स्क्रैच मीन खरोंचते हुए आवाज़ करना, खरोंचना। तो उन्होंने जो डॉग्स थे उन्होंने बिल को तब तक खरोंचा जब तक कि जो चूहे थे वे बाहर नहीं आ गए थे। फॉल्स। नेक्स्ट इज द कंट्री माउस वाज हैप्पी विद हिज बार्ले कॉर्न। कंट्री माउस अपने बार्ले कॉर्न के साथ ही खुश था। ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये विद द हेल्प ऑफ पेंसिल से बुक में फिल करने हैं, पेंसिल की मदद से आपको बुक में फिल करने हैं। एंड नेक्स्ट इज राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉलोइंग वर्ड्स अपोजिट वर्ड बताने हमें, मीन्स विपरीतार्थक शब्द। तो देखिए फर्स्ट इज लिटिल। लिटिल का अपोजिट क्या होता है? ह्यूज। अंडर, अबव। क्लोज, ओपन। बेस्ट, वर्स। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। क्वेश्चन, आंसर। टिडी, डर्टी। केयरफुल, केयरलेस। लार्ज, स्मॉल। लार्ज, स्मॉल। डिसअपेयर, अपीयर। डिसअपेयर, अपीयर। नेक्स्ट इज बी पार्ट। ड्रॉ पार फ्रॉम दीज वर्ड्स एंड राइट द न्यू वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, बी पार्ट में हमें आर जो वर्ड है उसको ड्रॉप करना है, मीन्स छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉक, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ब्रॉक। तो इस वर्ड में हमें क्या करना है, इसमें बी आर डबल ओ के, इसकी स्पेलिंग क्या है? बी आर डबल ओ के। तो इसमें हमें आर वर्ड को ड्रॉप करना है, आर को छोड़ देना है। तो देखिए आर को ड्रॉप करके क्या बन गया, क्या बचा? बी डबल ओ के, बुक। आर ड्रॉप कर दिया हमने, आर वर्ड छोड़ दिया, तो हमें हमारा स्पेलिंग क्या बन गई? बुक। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमें ये कंप्लीट करने हैं। तो देखिए नेक्स्ट इज क्रॉक, सी आर डबल ओ के, फिर से हमें आर ड्रॉप करना है। तो देखिए क्या बन जाता है, सी डबल ओ के, कुक। क्या बन गया? कुक। इन सभी स्पेलिंग्स में हमें आर वर्ड छोड़ के जो भी हमारी स्पेलिंग बचती है वो हमें राइट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम ब्रीक, बी आर ई ए के, ब्रीक। देखिए हमने आर छोड़ दिया तो क्या बन गया? बी ई ए के, बीक। इसी तरीके से नेक्स्ट इज हर्ट, एच ई ए आर टी, हर्ट। आर ड्रॉप कर दिया, क्या बचा? एच ई ए टी, हीट। नेक्स्ट इज फ्री, एफ आर डबल ई, फ्री। आर ड्रॉप कर दिया, क्या बचा? फी, एफ डबल ई, फी। हर्ट, आर ड्रॉप कर दिया, क्या बन गया? हट। फ्रॉग, क्या बन गया? आर को छोड़ दिया, क्या बन गया? फॉग, एफ ओ जी, फॉग। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हमें ये कंप्लीट करने हैं। इसी तरीके से हमें ये कंप्लीट करने हैं। अब हमारी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं, आपको ये लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।